prestigious award day. Very excited to receive this, and thank you to Akhilesh and all this for giving me this television award. मैं सबका शुक्रगुजार और ये सब मीडिया लोग का भी जो इतने सारे खड़े हैं, इतने बेचारे हार्ड वर्किंग विद अ स्मॉल रूम. थैंक यू ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस यू. जय झूलेलाल. मैं बहुत प्रसन्न हूँ जयपुर से. मैं माविन कुमार सोनी, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, वास्तुविद एंड फिल्म मेकर हूँ, और साथ ही मीडिया पर्सन भी हूँ आपके जैसे, क्योंकि मेरी भी मैगजीन वगैरह निकलती है. ये अवार्ड लेके दादा साहब फाल्के मुझे मिला है, इसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ. और विशेष रूप से हमारे राजू असरानी जी, सिमन आहूजा जी, जिनका मैं विशेष शुक्रगुजार हूँ, और आयोजक हम सभी का शुक्रिया. ऐसी सुबह ना आए, आए ना ऐसी शाम. ऐसी सुबह ना आए, आए ना ऐसी शाम. जिस दिन सुबह पे मेरी आए ना शिव का नाम. तो सर ऐसा है कि बिना भोले के कुछ नहीं है. बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे सबसे ज्यादा बेहद खुशी इस बात की है कि जिस तरीके से दादा फाल्के साहब हमारे विश्व पितामह माने जाते हैं, और उनका अवार्ड मिलना बहुत बड़ी शान की बात है. उसके अलावा भी सबको मिला, पर आज मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम मेरे चहेते लाडले प्रेस रिपोर्टर, मीडिया रिपोर्टर अखिलेश जी ने जो ये अवार्ड शुरू किया है, तो सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत बधाइयां दूंगा कि उन्होंने जिन भी कलाकारों को या जिन लोगों को भी ये अवार्ड दिया दादा साहब फाल्के का, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां. क्योंकि जिंदगी में एक सपना होता है इंसान का, वो जब लेके आगे चलता है तो, और जब उसमें कामयाबी मिलने लगती है तो ऐसा लगता है कि हाँ वो उस मुकाम तक पहुंच गया. तो उनमें से ही है हमारे लाडले भाई अखिलेश जी, तो मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं. बस वो इसी तरीके से कुछ ना कुछ करते रहे और हम लोगों को याद करते रहे, और आप जितनी मीडिया है इसी तरीके से आते रहे, हम लोगों को प्यार करते रहे. मेरे दोस्त अखिलेश सिंह अनेक वर्षों से दादा साहेब फाल्के अवार्ड ऑर्गेनाइज करते हैं, और मुंबई और देश के जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड करने वाले जो लोग हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है. बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, लोगों को वो मोटिवेट करते हैं. आज भी बहुत से स्टार इधर अवार्ड लेने आए, जो अवार्डीज है उन सबको मैं मेरी बेस्ट विशेस देता हूँ. और सातत्यपूर्ण अनेक वर्षों से अखिलेश जी ये प्रोग्राम कर रहे हैं. मेरे साथ में हमारे मुंबई रफ्तार न्यूज़ चैनल के शैलेश जी हमेशा ही उनके साथ में हैं. मैं ये पूरी टीम को और आप सबको इस मौके पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ. सर एक सवाल है सर, हाल ही में जैसे कि आपकी जो यूनियन है बहुत सारे काम करती है, लेकिन कौन रैकेट निकल रहा है बॉलीवुड के अंदर, कई सारे एक्टर अरेस्ट भी हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ अच्छा है वहाँ बुरा है, जो लोग ऐसे अपप्रवृत्तियों से एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है उनको सजा होनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है. हर एक आदमी जो सही काम करता है उनके पीछे हम पूरी तरीके से खड़े हैं, जो गलत काम करता है उनको सजा मिलनी चाहिए. मेरा नाम किरण गुलानी है और मैं एक वुमेन एंटरप्रेन्योर ग्रुप चलाती हूँ, एम्पावरमेंट ग्रुप, उनका नाम है सुपर वुमेन. हालांकि की मैंने अपना अवार्ड नहीं किया था 6 फरवरी को, और मैं शुक्रगुजार हूँ अखिलेश जी को कि उन्होंने मुझे एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर करके इस इवेंट पे बुलाया. बहुत ही अच्छा लग रहा है इस इवेंट में, एंड वेटिंग फॉरवर्ड टू मोर इवेंट्स. सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट अखिलेश जी. थैंक यू वंस अगेन. अगर बात करें तो आप इतने बड़े शो आप कराते हो, कुछ अपने बारे में बताइए, कुछ आगे के बारे में बताइए, किस तरह से आपने सोचा कि मुझे ये शो करना चाहिए और लेडीज में उनको जुड़ना चाहिए? ये ग्रुप बनाने का मकसद ये था कि जो औरतें घर पे बैठी हुई है उनको कुछ पता नहीं है कि उनके अंदर क्या हुनर भरा हुआ है. वो लोग बहुत एजुकेटेड है लेकिन उनको पता नहीं है कि वो लोग किस चीज में माहिर है, तो वो माहिर और टैलेंट निकालने के लिए मैंने ग्रुप बनाया ताकि वो अंदर एक खुशी की बात है. जब इंसान के अंदर खुशी होती है तो एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, और जब खुशी नहीं होती तो कोई औरत आगे बढ़ नहीं सकती है. बहुत सारे औरतें हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको खुद को नहीं मालूम वो लोग किस चीज में हुनर है उनके, तो वो निकालने के लिए मैंने एक ग्रुप बनाया ताकि वो 10 लोगों से बाहर मिले और अपना हुनर लोगों तक पहुंचे. फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड मिला है, आपको क्या कहना चाहेंगे?
मैं पहले ये कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत खुशी हुई जो मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है। जफर सर के लिए थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर, और बहुत अच्छा लगा मुझे ये अवार्ड मिलकर, ये मेरे लिए बहुत स्पेशियस है। थैंक यू वेरी मच। अखिलेश जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अखिलेश जी सर ने जो मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है, जो मुझे अवार्ड दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा। ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि 2020 में मेरा डेब्यू हुआ एज टेलीविजन टॉक शो होस्ट फॉर टीवी एशिया, जहाँ पे हमने 101 बॉलीवुड स्टार्स के साथ शूट किया, राइट फ्रॉम सोनू सूद टू ऐशा डियोल, अभय डियोल, अमन चिका जो अंदर है उनके भी इंटरव्यूज लिए हैं। तो मैं बेहद एक्साइटेड हूँ, मेरा टेलीविजन डेब्यू हुआ विद सेलिब्रिटीज इन यूनिसन, जहाँ 101 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ हमने शोज किए हैं, जो थ्राइस अ वीक आता है इन अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, कैनेडा एंड मेक्सिको में टीवी एशिया चैनल पर। सो दिस इज वेरी स्पेशल, द प्रेस्टीजियस दादासाहेब फाल्के अवार्ड, ऑफ कोर्स वी ऑल बिलोंग एंड एवरीथिंग इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बिलोंग्स टू सर दादासाहेब फाल्के, एब्सोल्युटली ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच, एंड वो भी आज के दिन, व्हिच इज ऑल अबाउट लव, एंड मैं यही कहना चाहूंगी कि ये मेरा प्यार, इश्क और मोहब्बत है मेरा काम, इट्स माय फर्स्ट लव, एंड स्पेशली विनिंग ऑन वैलेंटाइंस डे इज वेरी वेरी स्पेशल, इट्स जस्ट एक्सट्रीमली माय वैलेंटाइन। आप सब लोग वैलेंटाइन डे के दिन इतनी मेहनत कर रहे हैं और सैलेस पर काम कर रहे हैं, रोज मुझे मिलते भी हैं, मैं जरूर कहना चाहूंगी थैंक यू वेरी मच सैलेस सर, और आपको देखकर बस यही लगता है कि आपका जो पैशन है, जो जुनून है ना, उसका कुछ परसेंटेज मुझ में भी आ जाए ना, तो मैं भी किसी और लेवल पर रहूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा ये अवार्ड, और हम लोग सब इंडिया का आप इंडिया का दीजिए, आप इंडिया का दीजिए। थकावट नहीं होती है शुरू से लेके अंत तक, फुल ऑफ एनर्जी, प्योर सोल, एंड मुझे बहुत खुशी हुई ये अवार्ड लेके, इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है और हमें खुशी होती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सिमरन जी साथ में हैं और आपकी बेस्ट फ्रेंड साथ में है, अवार्ड मिला है, सम्मान किया गया, क्या कुछ कहना है? सिमरन जी के बारे में मैं क्या बोलूं? सिमरन जी के बारे में क्या? She is one of the best souls I've ever come across. Such a darling, such a helpful soul, and she fires the flow. So this is what I like. So different. Congratulations to Namnidhi and congratulations to Aruna ji. And the very amazing Kiran Golani ji for being the recipient of the prestigious Dadasaheb Phalke Award. Thank you so much. Well, har award jo hota hai ek it's like a pat on the back, so I want to thank मीडिया के लोग जो होते हैं बहुत हमारे जो भी करीब रहते हैं, बिकॉज यू ऑल अंडरस्टैंड अस वेरी करीब है, एंड दिस कमिंग फ्रॉम देम फर्दर मेक्स इट इवन मोर श्योर, सो आई वुड लाइक टू गिव थैंक्स। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? दादा साहब फाल्के आपको दिया गया मान सम्मान बड़ा होता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये हर इंसान के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि एक लेजेंडरी के नाम से इतना बड़ा अवार्ड होता है और उसका आज हमारे हाथ में ये ट्रॉफीज है। इस ट्रॉफी के लिए जितना गर्व करें उतना हम कम है। ये दादा साहब फाल्के अवार्ड जो लेजेंडरी है उनके नाम से हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब में हम जो भी चाहें, समाज सेवा करो, आप उनको अप्रिशिएट करो, या आप सोशल वर्क करो, कोई भी चीज करो, आप इनके नाम के साथ जुड़ सकते हो। और ये किसी एक इसका ये नहीं है, जितने भी लेजेंडरी है उनके नाम पे कितने भी लोग अपना इनके थ्रू इनके नाम से हम काम कर सकते हैं। सो आज ये बहुत मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे ये अवार्ड मिला है, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अखिलेश जी का और आप सारी मीडिया टीम का, जो आप इतने सारे तादाद में आज यहाँ पे आए हैं। सो थैंक यू सो मच। मिलने के लिए कितनी खुशी महसूस होती है, इस तरह के बड़े अवार्ड मिलना फिल्मोरा के माध्यम से, दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया, खुशी आप सबको मेरे चेहरे पे नजर आ रही होगी।
of course, this is one of the most important, a very precious moment of my life. क्योंकि एक artist को क्या चाहिए? एक artist को यही चाहिए कि उसके काम को नवाजा जाए, उसको appreciation की ज़रूरत होती है. और ये award एक बहुत ही prestigious award है. मेरे life में बहुत अच्छा दिन है आज का जो मुझे ये award मिला है. आप सबका प्यार और ये अवार्ड. दिस इज मेड माय लाइफ, दिस इज मेड माय डे. आई रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू अखिलेश जी, टू फिल्मोरा मीडिया एंड टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने मेरे काम को इतना सपोर्ट करा. आपके सपोर्ट और आपके प्यार की मुझे इसी तरह से जरूरत होगी. इसी तरह से आप मुझे ब्लेसिंग्स देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए. मैम क्या कहना चाहिए? आज वैलेंटाइन डे भी है तो कुछ. Happy Valentine's Day to every one of you. प्यार ये जो भावना होती है ये बहुत ही प्योर होती है. इसका इंसल्ट मत दीजिए, इसका रिस्पेक्ट कीजिए. हर किसी के दिल में प्यार होता है, लेकिन उस प्यार से, उस प्यार को आप ऑनेस्टी से और ट्रस्ट से निभाइए और प्यार को बदनाम मत कीजिए. बस इतना ही कहना है कि प्यार जो होता है उसे बस प्यार ही रहने दीजिए. हैप्पी वैलेंटाइन्स. खुश हूँ मैं, और दाल साहब फाल्के अवार्ड है, बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर गेटिंग दिस. उन्होंने पर्सनली मुझे आके बोला तो बहुत अच्छा किरदार था और बहुत अच्छा एक टॉपिक था. तो फिल्म करके तो ऑफकोर्स आई एम वेरी हैप्पी एंड दैट्स व्हाई आई हैव गॉट दिस अवार्ड टुडे. सो आई एम सो हैप्पी. अखिलेश जी को काफ़ी टाइम से मैं जानती हूँ और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो. फिल्मोरा बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उनको मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी और थैंक यू भी कहना चाहूँगी कि उन्होंने आज मुझे यहाँ पे इनवाइट किया. और आपके आने वाले दिनों में क्या क्या प्रोजेक्ट हो रहा है वो बताना. आने वाले दिनों में अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, दो वेब सीरीज हैं और एक साउथ का प्रोजेक्ट है जिस पर अभी मैं काम कर रही हूँ. सबसे पहले मैं अखिलेश जी को बहुत सारी शुभकामनाएं बोलना चाहूंगी और फिल्मोरा मीडिया टीम को, सारी टीम को बहुत शुभकामनाएं. I am so much honored and happy with this award, Baba Sahib Phalke Award. This is really amazing experience here because बहुत अच्छे artists हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा management है. It's amazing. और बहुत सबसे ज़्यादा important है कि हर artist अपनी life में चाहे कितना भी success मिले, कम ज़्यादा, लेकिन appreciate चाहता है कि उसको ऐसे award से नवाजा जाए. और I am really pleased and कहावत है कि मंजिलें मिल ही जाती है भटक कर भी, मंजिलें मिल ही जाती है भटक कर भी, गुमराह तो वो है जो घर से निकला नहीं. थैंक यू सो मच. मैम कॉन्ग्रेचुलेशन अवार्ड मिलने के लिए क्या कहना चाहिए? आज आपको इतना बड़ा अवार्ड से नवाजा गया. फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एंड थैंक यू. और मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि मुझे ये अवार्ड मिला एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट. एंड अगर हम आगे की जर्नी की बात करें, इससे पहले भी आपको क्रॉन वगैरह मिला, उसके बारे में कुछ शेयर करिए.
हाँ अभी रिसेंटली मैंने एक पेज भी दिया था दादा साहब का ट्रेडमार्क अवार्ड जहाँ पे मैं विन हुई थी एंड आगे की जर्नी के लिए तो और आगे और भी काम करना है और भी शूट्स पेज जो भी आएगा मैं काम करूँगी एंड थैंक यू टीवी शो को जिसने मुझे काम किया मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी आप सबका धन्यवाद और हमारे अखिलेश जी का जिन्होंने इतना अच्छा अवार्ड आज दिया ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए आज मैं खुशी के मारे फुली नहीं समा रही हूँ एक तरह से देखा जाए क्योंकि ये लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है अखिलेश जी ने तो भी कम मेहनत में हम लोगों को इन्वाइट किया तो बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी और हमारे मीडिया लोगों के लिए और ज़्यादा मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी कि वो हमेशा हमें इतने प्यार से मिलते हैं और बताते हैं तो हम आप लोगों का भी धन्यवाद करना चाहेंगे इस अवार्ड के बारे में मेरा आज का एक्सपीरियंस इतना सही रहा है कि लोग कहते हैं कि मैं भी अवार्ड करूँगा लेकिन उन्होंने जो कर दिखाया आज ये हमारे लिए आज बहुत इम्पोर्टेंट था और जो कहा वो उन्होंने किया है थैंक यू दादा साहब फाल्के अवार्ड सबको सम्मानित किया बहुत अच्छा लग रहा है ये प्लेटफॉर्म हमें हौसला देता है आपने हम सब महिलाओं जो क्राउन विनर है और दूसरे जो लोग अपने लाइक सोशल वर्क वगैरह सब हैं आपने उनको बुला के और उनको सम्मान किया ये बहुत बड़ी बात है इससे हमारा हौसला और भी बढ़ता है हम आगे और भी जाएंगे दीदी अगर बात करें तो अवार्ड की इसके पहले भी आप कुछ क्वीन वगैरह जीती हैं उसके बारे में कुछ बताइए मैं अभी लास्ट वीक में चार पांच दिन हुए मैं सुपर वुमन जीती हूँ मैं सुपर वुमन की एम्बेसडर हूँ और मैं टी फाउंडेशन की भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं लकी जो चंदवानी है नेटवर्किंग उसकी भी एम्बेसडर हूँ वॉक फॉर अ कॉज की भी एम्बेसडर हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुपर वुमन ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर महिला को हर गृहिणी को एक प्लेटफॉर्म देता है इसमें ना शक्ल ना वेट कुछ देखा जाता है आपको बस कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए और हर औरत इसमें जो गृहिणी है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है और उन्हें भी बहुत प्रोत्साहन मिलता है उन्हें भी बहुत खुशी होती है कि हम अपने घर के किचन से निकल के हम फैशन शो कर रहे हैं तो उनका हौसला बढ़ाता है और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सुपर वुमन हम सब औरत अपने ही उसमें सुपर वुमन है हर एक औरत स्ट्रॉन्ग है कॉन्फिडेंट है और वो सुपर वुमन है मैं मानती हूँ आगे मैं अभी अर्चना कोचर का बॉम्बे टाइम्स है उसके लिए मैं वॉक कर रही हूँ शाइना एनसी है जो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है और नंबर वन है साड़ी के उसमें तो मैं उनके लिए भी फैशन शो कर रही हूँ और आगे मुझे बहुत सारा सोशल वर्क करना है मुझे लड़कियों के लिए कुछ करना है मैं वैसे भी लड़कियों के लिए पैच डोनेशन वगैरह करती हूँ और उनकी एजुकेशन में भी मैं उनको प्रोत्साहन बढ़ाती हूँ मैं जाके उनको गली गली जाके मैं सैटरडे संडे क्लासेस भी लेती हूँ उनको पढ़ाती हूँ तो मेरी इच्छा है कि मैं हर लड़की को शिक्षा दूँ और वो बहुत इम्पोर्टेंट है दीदी अगर किसी को आपसे हेल्प की चाहिए और हेल्प मदद चाहिए तो किस तरह आपसे जुड़े कहां पर आपको कांटेक्ट करें मैं अपना नंबर है और वो हमारा बीजेपी का ऑफिस है डॉक्टर भारती लवेकर कोई भी आता है वो मैडम या मैं हम लोग स्पॉन्सर करते हैं हम लोग पर्सनली उनकी एजुकेशन वगैरह जो भी कुछ बीमारी के लिए चाहिए शिक्षा के लिए चाहिए हम ऑलवेज उनको सपोर्ट करते हैं मैं चाहती हूँ हर लड़की जिसको भी प्रॉब्लम हो वो ऑफिस में आए उनसे कॉन्टेक्ट करें मैं हमेशा उनके लिए पहला अवार्ड है और दूसरे ही महीने में और दादा साहब फाल्के जी का नाम जिक्र जहाँ भी आता है इंडियन सिनेमा में चाहे वो टेलीविजन हो चाहे फिल्म हो तो उनको जो है फादर ऑफ फिल्म और जो इंडिया में फिल्म के जो रचयिता कह सकते हैं या जो एक तरीके से भीष्म पितामह कह सकते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के इंडियन टीवी इंडस्ट्री के तो बहुत बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ बहुत बहुत अच्छी फीलिंग है फीलिंग वेरी प्राउड फीलिंग वेरी हम्बल फीलिंग वेरी थैंकफुल और शुक्रिया अखिलेश जी ने बहुत एक
खूबसूरत और बहुत आजकल के कोविड टाइम्स में भी इन्होंने बहुत, हालांकि धीरे धीरे खुल रही है पर अभी भी सावधानी बरतनी जरूरी है। बहुत अच्छा इन्होंने एक प्रोग्राम आयोजन किया और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे सब लोगों से मिल, बहुत पुराने दोस्त भी मिले, सिमरन बैठ गई यहाँ पे वो भी मिली, बहुत लव यू मामा, बिग फैन ऑफ यू, शी इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग एंड ऑलवेज गुड टू सी हर। आप सब लोगों से बहुत टाइम बाद रूबरू होने का मौका मिला तो बहुत अच्छा लगा। आज वैलेंटाइन डे भी है तो गाना गाना जरूरी है तो एक जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा वो हम नवा कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा तुम देना साथ मेरा तो हम नवा तुम देना साथ मेरा तो हम नवा। थैंक यू सर, बढ़िया और बड़े धूमधाम से मनाया, कैसा एक्सपीरियंस रहा आज पूरे दिन से? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मेरे इंटायर टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा, सूरज माटे जी का और किरण गोलानी जी का और तमाम पूरे इंटायर टीम जो मुझे जफर भाई पीरजदा सभी लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत की और ये छः महीने का सफ़र रहा बड़ा कठिन सफ़र रहा और आज ये सक्सेसफुल हुआ, बहुत खुशी हो रही है। दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविज़न अवार्ड में श्वेता सिन्हा और तमाम ऐसे अंजलि पांडे वगैरह जैसे बहुत रिधिमा तिवारी जैसे बड़े सेलिब्रिटी इसमें शामिल हुए, सपोर्ट किए मुझे आगे बढ़ने के लिए, तो मैं बहुत दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ और ऐसे तमाम लोग आए इस अप्रिशिएट करने के लिए, धन्यवाद अपना ये करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, तो मैं बहुत खुश हूँ और सक्सेस रहा इसके लिए। आप सभी को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि आपके बिना पॉसिबल नहीं है कि कोई कुछ काम कर पाए, सपोर्ट कर पाए, तो आप लोगों का भी सपोर्ट रहा, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। दादा साहब फाल्के आपने ये अवार्ड स्टार्ट किया, ये फर्स्ट ईयर है, तो इस इनिशिएटिव को क्या कहना चाहिए? नहीं, ये अच्छी बात है ना कि ये क्या है, दादा साहेब फाल्के में और कैटेगरियाँ थी, ये केवल फिल्म और टेलीविज़न के लिए है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं दादा साहेब फाल्के, लेकिन ये इंडियन टेलीविज़न और फिल्म के लिए था और जो सोशल वर्क इस फिल्म इंडस्ट्री में रह के सोशल वर्क कर रहे थे उन लोगों को हमने सम्मानित किया और कुछ मॉडल्स जो सक्सेस मॉडल हैं उनको सम्मानित किया, तो ये अपने आप में एक आज कलर देखने मिला और आज इसका शुरुआत है, आगे चल के बड़ा होगा मुझे उम्मीद है। आज का जो एप्रिसिएशन मिला लोगों का, जो सपोर्ट मिला लोगों का, ये मिला तो मैं बड़ा खुश हूँ, बहुत ये रहा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कई दिनों से हमने सुना काफ़ी परेशान रहे, तो ये नहीं, इस अवार्ड के कारण क्या कहना चाहिए? बहुत पेन, मैं बोल नहीं सकता, ऐसा है कि मैं रात को 1:30 बजे तक कल अवार्ड कलेक्ट कर रहा था, मैं था, मेरे दोस्त लोग थे और फिर सुबह 6 बजे से निकला हूँ मैं, शॉल लेना, ये लेना, वो लेना, बड़ी कठिनाई थी और लेकिन आज सक्सेस हो गया, फिनिश हो गया, तो मैं यही कहूँगा कि अब आज जाके खूब सोऊंगा और खूब आराम करूँगा। हमने सुना है कि अभिजीत रानी जी आए, उन्होंने आपको प्रोत्साहन किया, क्या? डेफिनेटली उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। अमरजीत जी मिश्रा जी आए थे, फॉर्मर मिनिस्टर स्टेट महाराष्ट्र के, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, अभिजीत जी राणे और अमरजीत जी मिश्रा को। सर, आज वैलेंटाइन डे है, गुलाब लेकर घूम रहे हैं, यही प्यार बांट रहा हूँ, प्यार बांटते चलो, इसीलिए सुबह से देखो मुरझा गया है बेचारा। अखिलेश जी, लगभग कितने लोगों को अवार्ड दिया गया है? आज हमने दादा साहेब फाल्के तकरीबन 100 लोगों को अवार्ड से सम्मानित किया, 100 लोगों को हमने सम्मानित किया आज दादा साहेब फाल्के अवार्ड से, और जितने लोग छोटे
जितने लोग 100 लोगों को हमने सम्मानित किया आज दादा साहेब फाल्के अवार्ड से, और जितने भी लोग आए और मुझे बहुत ही बधाई दे के गए, कॉन्ग्रेचुलेशन कह के गए, क्योंकि वो लोग खुश हो के गए, मतलब कहने का मतलब है मेरा अवार्ड शो सक्सेस है।